फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है, आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा। तो वीडियो का टॉपिक है फनीएस्ट इंडियन फोटोशॉप फेल्स फीचरिंग एमएस धोनी मुनफ पटेल। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप तो वही होता है ना, जैसे आप एडिटर टाइप की, आप अपने किसी की शक्ल किसी के साथ लगा दो, उस टाइप से कर दो, जो कहते हैं ना फोटोग्राफी ट्रिक टाइप कुछ करते हैं। मतलब शक्ल चेंज या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गलत फोटो, मतलब ओरिजिनल को चेंज कर मैनिपुलेट कर सकते हैं फोटो को। हाँ, तो उस टाइप का, तो ऐसे लग रहा है कहीं उन्हें, पर ये फनी वाली है तो अच्छा है, सीरियस नोट नहीं है, फनी है, हंसी मजाक की है, वही हमें चाहिए। क्योंकि लाइफ में और न्यूज में इतना कुछ वो हो रहा है कि थोड़ा हंसने के लिए इस टाइप की वीडियोस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को नीचे क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, सोशल मीडिया, वी इंडियंस लव सोशल मीडिया, डोंट वी? एंड वी मेक अदर पीपल हेट सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ अस, एंड स्पेशली बाय फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये तो कभी कभी लगता है हम इंडियंस के लिए बनाए कि डालो, सब कचरा डालो इसमें। तो सोशल मीडिया पे की जाने वाली टट्टी का एक हिस्सा है फोटोशॉप। आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बैक इन द डेज मैंने भी काफी भलते वाले फोटोशॉप किए थे। यार भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, समझ के बोल रहा हूँ। यस, ये मैं ही हूँ। स्टॉप जजिंग, ओके? और किसी ने स्क्रीनशॉट लिया ना, अभी बोल के रख रहा हूँ। सो बेसिकली ना, मेजॉरिटी इंडियंस के फोटोशॉप ना एक्चुअली फोटोशॉप से नहीं होते, पिक्सार्ट जैसे सस्ते ऐप से होते। गजब बेइज्जती है। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ भलते वाले फोटोशॉप। सो पहला ही पिक्चर ऐसा, हे गुड मॉर्निंग, कहते हैं ना वो चांद में दाग होता है, ये चांद है, ये बंदा दाग है। भैया जी, अभी अभी एक ग्रहण हुआ है, दूसरा ग्रहण मत दिखाओ। एंड मैं तो ये भूल ही गया भाई, ये मून है एंड फोटो में गुड मॉर्निंग लिखा है। मोहम्मद अहमद एंड करीना, फिल्म फियर। फियर, कांग्रेचुलेशंस माय बॉय, यू एक्चुअली डिजर्व अ फिल्म फेयर ये फोटोशॉप के लिए। करीना कपूर का एक्सप्रेशन देखना जब वो ये पिक देखेगी। और भाई धूम, इनका ड्रीम होता है हर धूम की मूवी में एक एक्टर बनना, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये लोग फोटोशॉप से ही काम करते हैं। धूम 2, धूम 4, धूम 4, अबे ये कौन है भाई, व्हाट आर इसको, धूम 4, कुर्बान 2, जिस सफाई से इसने भाई सैफ अली खान को ये फोटो में से डिलीट किया ना। एक था टाइगर, वो सलमान खान की जगह, अरे ये क्या है, लॉजिक क्या है भाई ये फोटो, पता नहीं ये क्या है, बरमूडा ट्रायंगल है भाई, बरमूडा ट्रायंगल के बीच में बैठा है भाई, शायद ये दिखा रहा है कि देखो मैं बरमूडा, आई डोंट नो मैं लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है ये फोटोज में। मी एंड माय बॉयज ऑन द मून टू सी चंद्रयान 2 लैंडिंग। हम इंडियंस ना चांद पर भी चले आए ना, हेलमेट नहीं, एक तो भाई हेलमेट पहने बिना चांद पर गया, ऊपर से भाई ट्रिपल सीट गया। नहीं भाई, दे आर द ओनली होप, आई एम श्योर दे विल फाइंड विक्रम। एंड बाय द वे, ये पहले इंडियन है जो चांद पर गए, सो रिस्पेक्ट। हैप्पी बर्थडे कीर्ति, हाउ डेयर शी, उसने इस बंदे के फोटो में खुद का पिक डाला है किसे, कीर्ति ने। यही चीज अगर लड़के करे तो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल, ही डज नॉट बिलोंग, वो ये सदी में ही बिलोंग नहीं करता है, ही एक्चुअली बिलोंग्स टू 3030, ये 3030 में जी रहा है। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ ह्यूमन सिटिंग ऑन अ ह्यूमन थ्रोन और केला खा रहा है। डोंट हेट, केला ऑफर कर रहा है भाई, तुम लोग वो नहीं देख रहे हो, गोइंग सोलापुर, डोंट हेट। इसका ये हाथ असली है, इसने अपना शकल जो उसको नहीं पसंद था वो उसने स्वैप किया। बॉडी पे हेट मत करो, बॉडी उसका असली है, ओके? इट्स नॉट इन योर पावर बट आई विल गो टू आईफिल टावर। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना बुरा फोटोशॉप देख के मैं एक सेकंड के लिए भूल ही गया कि भाई ये आईफिल टावर नहीं है, एक तो हगना है, उसमें भी हगना है। ब्रोस बिफोर होज, ये हाथ किधर जा रहा है? वॉट एवर इट इज, माई मैन इज लाइकिंग इट, उसने थम्स अप दिया है बिकॉज उसको पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप दे देना, ओके? सीरियल लवर, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक पिक में कोई इतनी एडिटिंग कैसे कर सकता है। आंख एक तो गोटी जैसा दिख रहा है, बाल बाल में ऐसा लग रहा है फर्टिलाइजर आता है ना वो मच्छर मारने का, वो मारा है।
और भाई अमीर होने का शौक कि सबको होता है, अमीर होने, आपको अमीर होने का शौक, मेरे को अमीर होने का शौक, सबको होता है, लेकिन कुछ लोग उसके लिए मेहनत करते हैं एंड कुछ लोग उसके लिए फोटोशॉप करते हैं। इसको देखो भाई, मी चिलिंग ऑन माई लैम्बोर्गिनी, ऐसे नहीं होते अमीर। द क्लियरेस्ट वे इन टू द यूनिवर्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल्डरनेस। क्लियरली दिस इज नॉट द वे टू यूनिवर्स। जब भी लाइफ में स्ट्रेस होता हूँ ना, मैं जाके ऐसी फोटोज देख लेता हूँ जिसमें एक आदमी हाथ में मुर्गा पकड़ा हुआ है और उस पर थूक रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। क्या है भाई, नो स्टूटूस नॉट फॉलोइंग, तू जाने ना, इट्स ओके डिफिकल्ट बॉय, ओके डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बॉय, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इसने खुद को ही जन्म दिया। वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे तो भाई हम भी ऐसे ही डिफिकल्ट बॉय बन जाएंगे। कैन बी अ चॉइस, अ प्रायोरिटी, अ रीजन, बट नेवर एन ऑप्शन। भाई ने एडिटिंग करके खुद का मुंह बड़ा क्यों किया है, वो नहीं समझ रहा है। स्टे सेफ, सीरियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को मास्क पहना रहा है लेकिन खुद ने मास्क नहीं पहना है। I don't know why I'm finding logic in each and every videos, but it's anyways end of the day it's a good message. Happiness man, ये भाई एक difficult boy, happiness man, YouTube man. ये साहिल खान है क्या? नहीं, it's actually a pretty good edit. But मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने ये एडिट किया था उसके ऊपर से इसने एडिट किया। Anyways it's still better than Dragon Ball Evolution. बोनर, अच्छा बोनर मैन, आई नो फॉर अ फैक्ट कि इसको बोनर का मतलब नहीं पता है, लेकिन भाई आपको जितना हेट करना है उतना करो, लेकिन प्रकृति के प्रति इनके जितना प्यार आप में नहीं है। हैशटैग सेव ट्री, सेव मी, प्लांट्स फील पेन, सेव ट्री, सेव लाइफ। I'm sure कि ये जो भी लोग फोटोज एडिट कर रहे हैं ना, यही लोग साला रोड पे गुटका थूकते होंगे। बिमल बोलो जुबा की से। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आपको लगता होगा कि सिर्फ छपरी लोग फोटोशॉप करते, बड़े लेवल पे भी हागा जाता है। मुनाफ पटेल, he has been a great player of course and काफी talented भी है, but not so talented in photoshop। तो recently कुछ दिन पहले MS धोनी का बर्थडे था, तो of course सबको पता है, सब क्रिकेटर्स पिक डाल ही रहे थे MS धोनी के साथ, लेकिन मुनाफ पटेल का पेक, अरे मुनाफ सर कतला बदा फोटोज छे धोनी साथे, इतने सारे फोटोज, लेकिन नहीं मुनाफ पटेल को भाई ये डालना था। एनीवेज मुनाफ पटेल के लिए रिस्पेक्ट है, नेशनल लेवल का प्लेयर है। कम ऑन गर्ल्स हॉस्टल, ये क्या चिकन पॉक्स हुआ है? नहीं दूर से लगा चिकन पॉक्स हुआ। ओके तो कुछ ऐसा हो रहा है, फोटो में लौंडा निकला है गर्ल्स हॉस्टल से और उसको बहुत सारी किसी मिली है, मजा आ गया। I feel jealous. मेरे को भी करना है ये मेरे फ्रेंड्स के साथ। Unfortunately इतने फ्रेंड्स है ही नहीं मेरे। Anyways next, at Mars feeling alone, no aliens here, no satellite, NASA light. That's right, NASA हमेशा साला झूठ बोलता है। नाम कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। क्या रिस्क ले रहा है? Is this guy dead or something? और ये भाई इसको छोड़ के भाग रहा है। यार नहीं लूट लिया घर यार का। Don't worry, he will return in season 2, okay? इसमें भी I'm sure ये बंदे का फोटो रियल, ये लड़की ने अपने फोटो में ये बंदे को डाला है। Apple software engineer, finally Canada का expenses have paid off। उसको छोड़ो, ये पेपर जैसा क्यों दिख रहा है? ओ भाई, ये कहाँ बवासीर बना दिया हो? I'll ignore के भाई ने हेलमेट नहीं पहना, भाई के पैर ही नहीं है और हाथ भी जेब में, मतलब इससे ज्यादा स्वैग देखा है कभी? This is pure talent guys, a like on this video for pure talent। तो काफी मजेदार वीडियो था और आप देख सकते हैं कि लोगों को फोटोशॉप करने का काफी इंटरेस्ट है, चाहे आती हो नहीं आती हो उसने करना जरूर है। और फोटोशॉप जो ओरिजिनल खरीदते हैं वो काफी महंगी होती है फोटोशॉप, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आधे लोग तो फोटोशॉप एक्चुअल फोटोशॉप यूज नहीं करते, कोई और कुछ बोला था ना कोई और सॉफ्टवेयर। और ये टू है, फोटोशॉप जो है काफी महंगी है
और पर उसका रिजल्ट भी तो बेटर आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। मगर नॉर्मली जो है फोटोशॉप बहुत महंगी है, और जहां तक हो सके हम भी यूज नहीं करते फोटोशॉप, कोई ना कोई तो फोटोशॉप करने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। या फिर इतने सारे फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं जहां पे आप मतलब जो आपको, आप ये तो नहीं है फोटोशॉप तो उसको चाहिए जो वाकई आर्टिस्ट है, हम लोग तो छोटे मोटे काम कर रहे हैं इससे जरूरत नहीं पड़ती है। मगर ये जो नेम है फोटोशॉपिंग, ये काफी पॉपुलर हो गया है। उसका कहने का मतलब ये है कि आपने इमेज को फेक किया है, बस वही है। और काफी मजा आया देख के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो लोगों ने किए हुए थे, और मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से ढूंढे। मेरे को लग रहा है कि ये जा रहे हैं ढूंढने के लिए या इनको मगर फोटोशॉप डेफिनेटली जहां जहां फोटोशॉपिंग होती है न्यूज़पेपर्स में भी या सोशल मीडिया में या काफी न्यूज में भी, यहाँ की न्यूज में भी कई जगह आता है कि इस बंदे ने यहाँ फोटोशॉप की और पकड़ा गया। यहाँ पे कोई ऐसी कोई एक्चुअल फोटोशूट थी जहाँ पे एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने जो है मतलब कोई शूटिंग की और फिर उन्होंने इमेजेस देखी तो उन्होंने बोला ये किसने है, तो मतलब प्रोड्यूसर्स ने उसको फोटोशॉप करके पतला कर दिया। तो बड़ा स्कैंडल बन गया था कि तुम बॉडी शेमिंग कर रहे हो, अगर मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी मोटी हूँ तो क्या हुआ तुम, अगर और मैं तुमने बुलाया था तो फोटोशूट में, मगर ये क्या है कि तुमने मतलब मुझे पतला करके कर दिया फोटोशॉप में, काफी कंट्रोवर्सी उसके बारे में भी हुई थी। तो काफी मतलब मगर उससे मतलब लोग मस्ती के लिए कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डेफिनेटली जो है अगर कई लोग जो है फोटोशॉपिंग करके बुरे काम कर रहे हैं वहां पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। वो तो है, पर मैं तो देख के हैरान होगी लोगों के दिमाग कहाँ कहाँ जाके फोटोशॉप करके क्या क्या बना लेते हैं। सबसे भयंकर जो डरावनी थे दो थे, एक तो जिसमें वो खोपड़ी निकाल कर नीचे बेंड होके अपनी टांगों के बीच में वो खोपड़ी उल्टी दिखा रहे, बैक से खोपड़ी दिख रही है, ओ माय गॉड। वो तो मतलब मैं देख के मैं तो हैरान होगी कि दिमाग कहाँ चला, ऐसा कैसे वो कर लिया। और दूसरा वो जिसमें वो हेलीकॉप्टर पे उड़ता हुआ जा रहा है और नीचे शेर दूसरे को खा रहा है और वो उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर को उसने पकड़ा है, शेर ने उसको पकड़ा है और नीचे एक दूसरा दोस्त है और उसको शेर पकड़ के बैठा हुआ है। ये भगवान ये दिमाग में आया कैसे, क्यों सोचा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई। पर एक वो जो था जिसमें वो आग वाला दिखाया था ना और हाथ में भी बॉल्स ऑफ फायर है, वो अच्छा लगा था, वो थोड़ा मतलब आर्टिस्टिक लग रहा था। और कईयों में तो समझ ही नहीं आया जब तक इन्होंने बताया तब रियलाइज हुआ, अच्छा हो इसमें ये मजाकिया टाइप है। जैसे वो था मोटरसाइकिल थी नीचे टांगे ही नहीं, वो पता नहीं क्या अजीब वे से फोटोशॉप किया था कि वो सेंस ही नहीं बना रहा था। एक जो था वो मुझे ठीक लग रहा था, इसमें दिखा रहे थे वो जो एक पेड़ है इंसान को दिखा रहे हैं पेड़ के रूप में, वो बता रहा है कि पेड़ों को भी दर्द होती है, जिसमें टांग पेड़ टाइप बनाई हुई बाजू कहीं में बॉडी में वैसे वेन्स टाइप से कुछ बनाई, वो ठीक है, वो बताने का वो थोड़ा आर्टिस्टिक था, वो आर्टिस्टिक है क्योंकि उसे बता रहा है कि भैया वो भी कोई लिविंग थिंग है, पेड़ भी लिविंग थिंग है, आप डिसरिस्पेक्ट मत करिए, आप इस तरह बुरा ट्रीट नहीं करिए। तो वो बात भी वो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, वो आर्टिस्टिक वे से बताने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे शायद ठीक लगा। और वो वाला जिसमें वो मास्क पहना रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को, वो कहां से दिमाग में आया, खुद तो पहना नहीं और स्टैचू से बड़े तो खुद को बना दिया कोई मतलब बिना सोचे समझे बस लगा दो। और कहीं तो साफ वो भी ठीक था लाइटर नोट में कि मतलब कोविड है तो यहाँ पर भी लगा दो, मतलब मजाक के टाइप में, पर खुद भी तो पहन लेना चाहिए था, मैं तो बहुत सोच रही थी। और एक और कौन सा था जिसमें फेसेस अपने लगा दिए, किसी और की बॉडी अपना फेस लगा और इतनी गंदी तरह लगाया कि साफ पता चलता है कि अलग से जो है ना वो फेस तो बहुत है। वो तो बहुत ही कॉमन है और काफी सारे लोग ये करते हैं, पता नहीं जब उनको दिख रहा है कि नकली लग रहा है तो क्यों करते हैं भाई, ये मजा नहीं आता। करना है तो ऐसा करो कि देख के लगे यार ये कैसे किया इतना अच्छा आर्टिस्टिक वे से। पर मेरे को लगता है लोगों को अच्छा लगता है करना भाई, कईयों का होगा ये शौक। तो काफी अच्छा वीडियो था, पता नहीं था लोग ऐसा करते हैं, मतलब बहुत मेरे ख्याल से लोग फ्री टाइम उनके पास काफी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी मजा आया होगा ये सब देख के।
गलत चीजें मत सीखना इससे, ये नहीं कि खुद भी करने लग गए तो मैं मजाक कर रही हूँ ऑब्वियसली मतलब, पर ये है कि हंसी के नोट में देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोग अजीब अजीब फोटोए बना देते हैं और सोचते हैं कि अगला जो देख रहा है उसको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।